माइट भी ये पॉडकास्ट काफी लेट आ रहा होगा, बट आई ट्राई कि मैं इसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूं। और आई नो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसमें टाइम लग गया। इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा था एंड आई फील कि पहले मुझे ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। लेकिन फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो कि तुम सबने स्कूल लाइफ में की होगी, जो कि मैंने स्कूल लाइफ में की है, जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन फ्यूचर करो। इसीलिए हम इसके ऊपर डेडिकेटेडली काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूं तो रिसेंटली हमने काफ़ी अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट शूट किया है, या अब इंडिविजुअल पॉडकास्ट से हटके हमने प्रॉपर वन टू वन पॉडकास्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको थोड़ा सा मैं हाईली एडिट करके और मे बी मैं उसमें थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह भी ऐड करूं, जो कि तुम्हें देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आई डोंट नो फील कि मैं इसको रिलीज़ कर पाऊंगा, एक अलग सी इनसिक्योरिटी टाइप फील हो रही है मुझे ये रिलीज़ करते हुए, बट That's it, man. मतलब पॉडकास्ट आएगी, चाहे कुछ हो जाए पॉडकास्ट आएगी। और हाँ, थोड़ा सा पॉडकास्ट में गाली देना भी कम करना पड़ेगा, वरना मोनिटाइजेशन के लोड़े लग जाएंगे। सिट मैन। इनफैक्ट पॉडकास्ट को रियली एडिट करना भी एक अलग ही चिंता हो जाती है। मतलब आई एम सो ग्लैड कि मैंने 40-40 मिनट्स के 50-50 मिनट्स के पॉडकास्ट पहले रिलीज किए हैं, वरना आज के टाइम में इतने लंबे आवर तक कैमरे पे बोल पाना इंडिविजुअली एक काफ़ी बुलशिट चीज़ हो जाती है। बट फिर भी हमारे पास पॉइंटर्स है, हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्कूल मिस्टेक्स के ऊपर हमने लास्ट वीडियो एक बार बनाई थी, नॉट स्कूल मिस्टेक्स, हमने स्कूल लाइफ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो वो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। कभी कभी मैं ऐसे पॉडकास्ट लाने की कोशिश करता हूँ, सो आई जेनरली फील कि यार पॉडकास्ट तो मैं लेकर आ जाऊँगा, लेकिन शायद मेरे पास टॉपिक्स की कमी हो रही है। एंड इन रियलिटी टॉपिक्स मेरे पास बहुत सारे होते हैं। एंड अगर मैं चैनल के फ्यूचर की बात करूं तो हम थोड़ा सा सिनेमैटिक टाइप व्लॉग लाने की ट्राई करेंगे, जिसमें प्रोबेबली मैं तो तुम्हें नहीं फेस कैम करता हुआ दिखूंगा, लेकिन एक सैम कोल्डर, अगर तुम्हें यूट्यूबर पता है, उस टाइप की थोड़ी फील आ सकती है, और उसको मैं हाईली एडिट करने का भी ट्राई करूंगा। बाकी हमेशा की तरह हमारे पॉडकास्ट काफ़ी रॉ एंड रियल होने वाले हैं, विदाउट हाईली एडिटेड। काफ़ी सिंपली मैं इसको रन करूंगा, और बेफालतू की बकचोदी ना ऐड करते हुए जितनी हो सके उतनी डिटेल्स में तुम्हें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दूंगा। और अगर मैं तुम्हें अल्टीमेटली एक गोल बताऊं पॉडकास्ट का, तो मेरा यही है कि मैं इसमें मेंटल मास्टरबेशन को ख़त्म कर पाऊं। बेसिकली वो चीज़ जो कि तुम बार बार देखते हो, तुम बार बार सीखते हो, बार बार समझते हो, लेकिन फिर उसी लूप होल में फंस जाते हो विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस लूप होल में फंसो, इसलिए एक पॉडकास्ट में ही मैं जितनी हो सके सारी चीज़ों को क्लियर आउट डिटेल में खत्म सम अप करना चाहता हूँ। इसलिए लास्ट के तुमने जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे, चाहे वो तुमने लुक्स मैक्सिंग का देखा हो या फिर तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर देखा हो, मतलब सीरियसली यार वो ऐसी वीडियो थी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जिसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी खत्म कर दी थी। हालांकि उसमें भी जो जो चीज़ें थी, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट में बेसिकली तुम्हारा पैसे को लेकर चीज़ हो गई, या फिर तुम्हारे सर्जरिकल पार्ट से लेकर चीज़ हो गई, या फिर तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्किल से लेकर चीज़ होगी, उसके ऊपर हम ऑफकोर्स डेडिकेटेडली बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, लेकिन उसको हम डिटेल में एक ही वीडियो में कवर जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कोर्सेज की, तो या आई ट्राई कि मैं बेस्ट से बेस्ट कोर्स बनाने का कोशिश करूँ, बट अभी तो रिसेंटली मैं पॉडकास्ट में थोड़ा सा इन्वॉल्व होऊंगा। काफ़ी पॉडकास्ट आने वाले हैं, मेरी बात चल रही है, कुछ फिल्म मेकर्स है, कुछ यूट्यूबर्स है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ डेटिंग फील्ड के भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जिनको मैं लेकर आऊँगा, कुछ बकचोद है, कुछ हरामी है, तो सभी के बारे में डिटेल में बात होगी। तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी तक यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेकंड, द वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग विद माय चैनल, जिसको मैं काफ़ी फील करता हूँ, फ्यूचर में लोग काफ़ी फील करेंगे, वो है इट्स जस्ट ओनली ऑडियो, या इट्स जस्ट ओनली ऑडियो फेस नहीं होगा यार। मतलब अगर तुम्हें सिनेमेटिक व्लॉग्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम वो देखो, उसमें फेस नहीं होगा, बट उसमें एक सिनेमेटिकली लिबर्टी तुम्हें देखने को मिलेगी, हाईली एडिटेड चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, एंड ऑफकोर्स वो रॉ एंड रियल तो नहीं होगी, बट लोगों को वो देखने में मजा आएगा, तो तुम वो जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। शायद इस पॉडकास्ट से पहले या फिर इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हें सिनेमेटिक व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट्स का भी ट्राई कर रहा हूँ। शॉर्ट्स में ऑफकोर्स हाईली एडिट चीज़ होगी, अगर तुम वीडियो के पर्टिकुलर पार्ट्स की शॉर्ट्स देखोगे वहाँ पर ऑफकोर्स हाईली एडिट वीडियो होगी, या फिर मैं बेसिकली रनिंग वगैरह करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर तुम्हें हाईली एडिटेड वीडियो देखने को मिलेगी। देन इसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड इंटरेस्टिंग वीडियो, बेसिकली सम लेवल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियो, जो कि तुम्हें वीडियो फॉर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मैं उसको पॉडकास्ट में इन्वॉल्व करूंगा तो लोग या तो उसको देखेंगे नहीं या फिर उसको अवॉइड करेंगे।
लेकिन एक वीडियो फॉर्म में दिखेगा तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा एंटिसिपेशन बनाएंगे और उसको चीज़ को ज़्यादा फील करके देखेंगे। बाकी मेरा ऐसा मानना है, तुम क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब बात करते हैं डिटेल में स्कूल मिस्टेक दैट रुइन माई लाइफ, दैट्स इज नॉट बिल्डिंग अ क्यूरियोसिटी। या मैं क्यूरियोसिटी पे बात करने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, मे बी मैं तुम्हें कुछ यूट्यूब वीडियोज के लिंक्स भी शेयर करूँ जो कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगी। सो क्यूरियोसिटी का सिंपल मतलब यही है कि तुम चीज़ों को जानने के लिए कितना उत्सुक हो। अगर तुम ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सम लेवल ऑफ इंटरेस्टिंगनेस है तुम्हारे अंदर, सम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो मे बी तुम नॉट अनलाइकेबल पर्सन बट यू आर वेरी बोरिंग पर्सन ऑल दो, ठीक है। और तुम्हें बोरिंग नहीं बनना, क्यूरियोसिटी बिल्ड करना ही पड़ेगा। कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आइए बात करते हैं इसके बारे में। बट पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि तुम मेरी ई बुक चेकआउट करो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने इनसिक्योरिटी के ऊपर लिखी है। आई थिंक मैंने उसके ऊपर अभी तक डेडिकेटेडली कोई पॉडकास्ट नहीं लाया हूँ, लेकिन वो बुक पढ़ लेना, तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को इरेडिकेट करने में काफ़ी हेल्प होगी, यानी कि जड़ से ख़त्म करने में। डेफिनेटली चेकआउट दिस ई बुक। सो फर्स्टली मे बी यू थिंक इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट लिटरली इफ यू जनरली बिल्ड क्यूरियोसिटी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, इट्स बिल्ड यूर पर्सनैलिटी, पैसन एंड करिज्मा ऑल्सो। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर किसी चीज़ में पैसन बिल्ड करना है तो पैसन से पहले क्यूरियोसिटी आएगी, एक जानने की इच्छा आएगी। आज मुझे पॉडकास्ट बिल्ड करनी है तो पॉडकास्ट को देखने की पहले इच्छा थी, पॉडकास्ट को जानने की इच्छा थी। मतलब सीरियसली मैं घंटों घंटों क्रिस विलियमसन के पॉडकास्ट देखता था और मतलब उसको रिसर्च करता था कि वो कैसे शूट करता है, उसके बारे में देखता था। एंड इट्स माई वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। मैंने उसका डेविड गोगिंस वाला भी देखा है, एंड्रयू ह्यूबरमैन वाला भी देखा है, और रिसेंटली कुछ उसकी डेटिंग वाले पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा मैंने प्रखर के प्रवचन का एक कॉन्टेंट पीस है वो भी मैंने देखा है, सिद्धि सहरावत का है वो भी देखा है, और भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की देखे है। और वहाँ से एक हल्की सी चिंगारी कह सकते हो, हल्का सा जुनून कह सकते हो, जिसके थ्रू मैं आज फाइनली पॉडकास्ट रिलीज कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से ये चीज़ बिल्ड होना शुरू हो गई थी। तो तुम्हें किसी भी फील्ड में अगर एक लेवल ऑफ ग्रेटनेस चाहिए या फिर उसके टॉप पर जाना है, तुम्हें क्यूरियोसिटी होना मंगता है गाइज, मतलब तुम्हें क्यूरियोसिटी चाहिए। क्यूरियोसिटी बिल्ड करने का ऐसे कोई सब्जेक्टिव फॉर्मूला नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको सिंपली वे में मैं तक कहूँ तो यही आ जाएगा कि उसके बारे में बार बार सोचो, पूरा दिन सोचो, फिर उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में वीडियोज़ देखो, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ो, उसकी बातें करो। लाइक सीरियसली मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि लोग अपने पैसन से रिलेटेड बातें करते ही नहीं है, एंड समटाइम्स पैसन से रिलेटेड ज़्यादा बात करना भी टर्न ऑफ हो सकता है, स्पेशली इन अ डेटिंग मार्केट। मतलब मैं तो इसका जीता जागता एग्जांपल हूँ यार, मेरी तो मतलब सेकंड थर्ड डेट्स जो हुई थी लड़की के साथ, एंड इट्स फक्ड अप, क्योंकि एंड जो मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी सिनेमा की बात कर रहा था और मे बी सम लिटिल बिट ऑफ पॉडकास्ट की बात कर रहा था, क्योंकि यही मेरे लाइफ के तीन पिलर थे, सिनेमा, मूवीज एंड पॉडकास्ट। एंड आई जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ सम पीपल कन्वर्सेशन वेरी बेस्ट, हाउ सम पीपल मेक मूवी वेरी बेस्ट, एंड दिस टाइप एक्टर इज ग्रेट, दिस टाइप एक्टर्स, एंड मतलब बेसिकली जो मैं लोंडो में बात करता हूँ वो मैं वहाँ पे बात कर रहा था। तो ऑफकोर्स इज अ बिगेस्ट टर्न ऑफ, बट तुम्हें एक लेवल ऑफ अपने पैसन को पैसनेटली शो करना चाहिए। इट्स bring you a new personality, it's give you a different vibe basically, क्योंकि लोग वहाँ पर बकचोद बात करते हैं, बेफालतू की बात करते हैं, तुम वहाँ पर एक genuine curiosity वाली बात कर रहे हो जो कि सम लेवल ऑफ मिस्टेक कह लो या फिर एक ambiguity को जन्म देती है जो कि तुम्हारे पास होना definitely ज़रूरी है। और बात करूँ इसमें करिश्मा का क्या मैटर आ जाता है, तो देखो तुम किसी भी करिश्मेटिक पीपल को उठा के देख लो, वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है इसीलिए वो करिश्मेटिक है। मतलब सीरियसली यार, करिश्मा का डायरेक्ट लिंक सक्सेसफुल से है। तुम किसी भी अनसक्सेसफुल पीपल को, जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, आम आदमी जिसको हम बोलते हैं, एक नॉर्मल नौकरी कर रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या फिर सरकारी नौकरी भी है, तुम उसको करिश्मेटिक नहीं कहोगे। या तो तुम फेमस पीपल को करिश्मेटिक कहते हो या फिर तुम एक अचीवेबल पीपल को करिश्मेटिक कहते हो, भले वो फेमस ना हो। मतलब काफ़ी सारे बुक राइटर्स जो होते हैं वो फेमस नहीं होते, लेकिन जब तुम उनको पर्सनली मिलते हो तुम उनको करिश्मेटिक बोलोगे, बिकॉज दैट हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ।
वो उस चीज में पैसनेट थे तो इसलिए वो उसके टॉप पर गए, नॉट एग्जैक्टली टॉप 1% पे गए, बट टॉप 10% में आना भी भाई इतनी भीड़ में काफी बड़ी बात हो जाती है, टॉप 10% पे गए। एंड सम लेवल ऑफ उनकी लुक्स पर्सनैलिटी की वजह से दे गेव अ चार्म टू यू, लाइक सीरियसली। इसलिए करिश्मा थोड़ी सी अलग चीज होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी से बिल्ड होता है, पैशन पैशन से बिल्ड होती है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी से बिल्ड होता है करिश्मा। और बात रही इसमें ब्रो लुक्स का, क्या लुक्स भी तो है ब्रो, इफ यू बिल्ड अ पैशन एंड क्यूरियोसिटी एंड इफ यू जेन्युइनली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो प्रोबेबली यू आर नॉट डैट अगली, मे बी यू आर अगली बट नॉट डैट अगली, और लोग तुम्हें एक अच्छे वे से ही परस्यू करेंगे, जिसके काफी एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल नहीं है लेकिन बहुत माइनॉरिटी में काफी एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत माइनॉरिटी में अगली लोग भी कम है सीरियसली। लाइक थोड़ा सा मैं भी फील्ड से भटक रहा हूं, लेकिन अगर सिंपल वे में मैं कहूँ तो तुम एडम ड्राइवर का एग्जाम्पल ले लो। एडम ड्राइवर नॉट गुड लुकिंग बट ही हैज पैशनेट अबाउट हिज एक्टिंग, लाइक सीरियसली ब्रो वो मेगालोपोलिस में एक्टिंग कर रहा है, फ्रेंसिस फोर्ड कोपोला की मूवी में एक्ट कर रहा है जिन्होंने ओल्ड फादर बनाई है, लीड एक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां से उसकी एक पर्सनैलिटी दिखती है, उसके काम के प्रति उसका पैशन दिखता है, और भले ही गुड लुकिंग ना हो लेकिन लोगों में उसका करिश्मा रहता है। इनफैक्ट सम गर्ल्स आर से दैट इज अ हॉट पर्सन, और ऑफ कोर्स इसमें स्टेटस वगैरह भी काफी मैटर होता है, लेकिन स्टेटस का में भी उतना नहीं होता, क्योंकि यार मैंने बुक राइटर्स भी काफी देखे हैं जिनको तुम नहीं जानते होगे, लेकिन अगर तुम्हारे सामने वो आ जाए, तुम्हारे साथ बैठे, दो बात करे, तुम उसको करिश्मेटिक कह दोगे। और करिश्मेटिक भी कोई ऐसे इंडिविजुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स आल्सो कनेक्टेड विद सम लेवल ऑफ फेम, सम लेवल ऑफ स्टेटस एंड सम लेवल ऑफ लुक्स आल्सो, बट इन डीप इनसाइड इट्स ऑल बिल्ड विद क्यूरियोसिटी, दैट्स इट। लोग काफी बार कहते हैं कि यार कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है, हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट कन्वर्सेशन, इंटरेस्टिंग बातें कैसे करें, ये बातें कैसे करें, फ्लर्टिंग कैसे करें, टीजिंग कैसे करें, एंड सो मेनी ऑप्शंस इन नाउ डेटिंग मार्केट और इन जस्ट जर्नल। अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर तुम ऑडिशन देने जा रहे हो, या फिर किसी भी टाइप की तुम फील्ड में इन्वॉल्व हो रहे हो, कन्वर्सेशन इज मैंडेटरी। सो हाउ यू कैन बिल्ड अ कन्वर्सेशन, एक होती है जनरल कन्वर्सेशन, जिसको मैं कन्वर्सेशन भी नहीं कहूंगा, वो तुम बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी, दैट्स नो अदर ऑप्शन। सिंपली मैं कहूं तो अगर कोई चीज ऑर्डर की है और ऑर्डर वाले का फोन आया तो तुमने बात करनी पड़ेगी, हाँ सर मैं यहां पर हूं, हाँ भाई मैं यहां पर हूं, आकर ऑर्डर दे जा, दैट्स इट। सेकंड, जब तुम खुद से अप्रोच करते हो, इट्स मैक्सिमम टाइम फॉर डेटिंग विद अ गर्ल एंड अ पर्सन जो सम लेवल ऑफ सुपीरियरिटी रखता है, या फिर सम लेवल ऑफ तुमसे ऊपर है, या फिर किसी भी फील्ड में मे बी तुम उसके थ्रू कनेक्शन बनाना चाहते हो, तब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन लानी होगी। कैसे लाओगे? क्यूरियोसिटी से। कैसे? एंड हाँ, क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं है कि क्यूरियोसिटी तुम्हारे पैशन में और फिर तुम उस पैशन की बात करते रहोगे, दूसरे वाले को इंटरेस्ट हो फिर भी करते रहोगे, नो, वो एक बिगेस्ट टर्न ऑफ है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, लेकिन मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ क्यूरियोसिटी इज अबाउट अदर पर्सन। ओ ओके, अच्छा तुम्हें इस पर इंटरेस्ट है, दैट्स द गुड लिसनर। और हाँ, गुड लिसनर वाली बकचोदी बहुत अलग है। रिसेंटली मेरे दिमाग में आया कि यार बेफालतू की जो डेटिंग एडवाइस मिलती है, जो एक कोल्ड मतलब ब्लू पिलिस्टिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो चीजें बेचता है कि यू हैव टू बी गुड लिसनर, लड़की तुम्हारी बात सुनेगी, तुम्हें मजाना चाहिए, फक ब्रो, कोई लड़की नहीं है जो तुमसे बात करना चाहती है, लाइक सीरियसली। अब इफ यू आर 8 or 9 10 गुड लुकिंग पर्सन, जो कि तुम नहीं हो टू बी ऑनेस्ट, बट तो तुमसे वो बात क्यों करेगी अगर तुम जेन्युइन क्यूरियोसिटी बिल्ड ही नहीं करोगे, एक उसको ओपन स्पेस ही नहीं दोगे। लिसनर बाद में आता है ब्रो, स्पीकिंग पहले आती है, कन्वर्सेशन तुम्हें पहले इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी लिसनिंग वाली बकचोदी होती ना, तो भाई हर इंट्रोवर्ट आज प्लेबॉय होता जो कि नहीं है और कभी बन भी नहीं सकता, इनफैक्ट उसकी फटती है बात करने से। खैर, मैं उस टर्म में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मेरा कहने का मतलब ये कि लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नॉट वरी। सो एक बंदा है जो तुम्हारी फील्ड का है, मैं फिल्म मेकर की एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई एम टू फिल्म मेकिंग राइट नाउ। तो तुम जाते हो, बात करते हो, और तुम स्टार्ट करते हो, हेलो सर, या फिर हेलो मैम, एक्चुअली आई सी यू इन दिस मूवी, एक्चुअली आर यू फिल्म मेकर, ओके आर यू सिनेमेटोग्राफर, इस टाइप का आर यू का यूज करो, बेफालतू में जाके मत पूछो कि अच्छा आप भी फिल्म मेकर, अच्छा आपने क्या मूवी बनाई, आपने क्या काम किया, आपने क्यों किया है, ये क्वेश्चन वाली चीज होता है, क्वेश्चन और इंटरव्यू मोड से बाहर निकलो। जस्ट सिंपली से ओके आर यू फिल्म मेकर, अच्छा आपने उस मूवी में काम किया था,
खुद रैंडम गैस करना है, उसने बताया नहीं है, मैं फर्स्ट लाइन बता रहा हूँ। अच्छा आपने उस मूवी में फिर बताया, नहीं 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 आई डू इन दिस, ओके ओके, अरे दीदी ये अच्छी मूवी आ देखनी मुझे, अच्छी मूवी अगर आपने देखी है तो अच्छी कहो, नहीं देखी ओ देखनी है मुझे। और सम लेवल ऑफ तुम्हें उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, कहीं का कहीं कनेक्शन बिड़ा दो यार, थोड़ा सा बकचोदी भी यहाँ पर फैला दो, लेकिन बकचोदी दिखनी नहीं चाहिए, फैलानी है बट दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स यार फॉर्मल स्पेस है तो उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ा सा वहाँ पर इंटरेस्टिंगनेस लाओ, तुम बेफालतू क्यूरियोसिटी ऐड करो, या सही सुना तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें बेफालतू की क्यूरियोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे विदाउट एनी पीपल प्लीजर वाली फील्ड में जाए हुए अपना पॉइंट रखो, अपनी बात रखो और एक कॉन्फिडेंस के साथ रखो। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में बना देंगे। सेकंड, इन टर्म ऑफ डेटिंग, मैं इसका कोई ऐसा एग्जांपल या फिर कोई ऐसी एपिटमी नहीं हूँ कि भाई मैं बताऊंगा सबको डेटिंग ये वो, बट हाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है यही है कि भाई क्यूरियोसिटी ऐड करो इन जस्ट लिटिल बिट अ डिफरेंट थिंग्स, लाइक सीरियसली डिफरेंट थिंग्स, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन हर क्लोथ्स, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन हर हेयर, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन हर वाइब पर्सनैलिटी। अब तुमको भी ब्रो मैं तो पर्सनैलिटी जानता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ, जस्ट गैस ब्रो, गैस करने में कुछ नहीं जाता, तुक्का मार दे कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही लगेगा खेल जा, सही नहीं भी लगेगा ओ अच्छा तो फिर कैसी है, कुछ भी ब्रो चिल चलता है, अनलेस यू आर नॉट सो अगली। मैं इसकी बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लुक्स वाला कोर्स भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो तुम्हें वो काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम दुनिया की कोई भी चीज कर लो और बट तुम ही प्यार रख लिए तो वो प्रॉब्लमेटिक अलग लेवल पे हो जाता है। देन क्यूरियोसिटी इज द ओनली ऑप्शन, लाइक सीरियसली इज द ओनली ऑप्शन, तुम्हें लुक्स नहीं बचाएंगे, तुम्हें हाइट नहीं बचाएगी, तुम्हें पर्सनैलिटी भी नहीं बचाएगी, तुम्हें पैसा भी नहीं बचाएगा, तुम्हें लिटरली कोई नहीं बचाएगा अगर तुम्हारे अंदर उस काम को करने की क्यूरियोसिटी नहीं है और उस खो जाने की क्षमता नहीं है। दैट्स द प्रेजेंट मोमेंट। ओसो इसके बारे में काफी कहते हैं आचार्य प्रशांत, इसके बारे में काफी कहते हैं, इसको समझना थोड़ा सा अलग होता है लेकिन इसको फील करना ही रियल होता है। इसमें दो टर्म्स मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट करेज। देखो तुम ना वर्चुअल सिग्नलिंग, अगर तुम्हें पता है तो तुम वर्चुअल सिग्नलिंग कर सकते हो, मतलब तुम आदर्शवादी पति या फिर आदर्शवादी बच्चे बन सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, समाज के लिए सबसे बेस्ट बन सकते हो, समाज भी तुम्हें कहेगा अरे अच्छा तू ये कर रहा है, अरे तू तो बेस्ट होगा, देन तुम्हें तो ये पता होगा, तुझे तो ये पता होगा, तुम बेफालतू की चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बट सीरियसली अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये चीज़ बताऊँ तो तुम्हें क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, उस वाइब में या फिर उस कर्म में खो जाने के लिए। यही तुम्हें मतलब जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, समझदार बड़े बड़े गुरु हैं, वो तुम्हें बताते हैं कि कैसे उस काम में खोया जाए, मतलब इसको मैं अगर कहूँ तो मधुशाला की भाषा में कैसे उसमें लीन हुआ जाए कि तुम काम ही हो, तुम काम से अलग नहीं हो, तुम काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, तुम काम कर रहे हो जीने के लिए, काम ही जीवन है, योर वर्क इज योर लाइफ, लाइक सीरियसली ब्रो। तुम अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, तुम अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहोगे अगर तुम सीरियसली कैलकुलेटिव हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के साथ ज्यादा टाइम तक रहोगे। तो इसमें वो भी नहीं है कि तुम्हें काम ढूंढना पड़ेगा, पैसन के ऊपर भी हम डेडिकेटेडली मे बी हम ई बुक में बात करेंगे, क्योंकि मुझे जेनुअनली ई बुक में पैसन और पर्पस से रिलेटेड बात करनी है और दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है उसके बारे में बात करनी है। लेकिन सीरियसली यार तुम प्रेजेंट मूवमेंट में क्यूरियोसिटी के जरिए रहोगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल, आई रीड फिलोसॉफी और जब मैं फिलोसॉफी पढ़ता हूँ आई जेन्युइनली फील या दैट्स इन माय प्रेजेंट। समटाइम्स आई फील कि मैं फिलोसॉफी पढ़ते हुए भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं निकल रहा या फिर कोई पैसे से रिलेटेड बेनिफिट नहीं निकल रहा, लेकिन भले ही वो पैसे से रिलेटेड ना निकल रहा हो वो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। अभी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम रखता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आता है कि यार क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी कुछ और कर लेता या फिर रिकॉर्डिंग का इतना कोई फायदा नहीं है, एक घंटा रिकॉर्ड कर दूंगा फिर एडिट करूंगा वेस्ट कर दूंगा, गिनती के 10-12 व्यूज आने हैं, व्हाट इज द मैटर। बट बहन जो प्रेजेंट फील करवा रहा है मुझे, पॉडकास्टिंग प्रेजेंट फील करवा रहा है, अनलेस लाइक रील स्क्रोलिंग, उसमें तो एक बार करने के बाद आधे घंटे के बाद मुड़ के देखता है तो ऐसे गिल्ट फील होता है, यहाँ पर वैसा गिल्ट तो फील नहीं होगा। हाँ प्रेजेंट मोमेंट में आने के बाद तुम्हें एक वर्ड होता है एनालिसिस पैरालिसिस वाली फील आएगी कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और बाय द वे इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बना रखी है तो वो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, लेकिन फिर भी वो फील होता है तो अजीब लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी के थ्रू अगर तुम काम करोगे इट्स ग्रेट, लाइक इट्स सीरियसली ग्रेट। और हाँ मैक्सिमम टाइम्स
प्रेजेंट मोमेंट में मैं होता हूँ, लेकिन फिर भी अजीब अजीब वाइब आती है, जैसे कि मैंने कहा वो एनालिसिस पैरालिसिस होते हैं, जिसका आना ना आना एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम चीज़ों को समझते हो कि एट द एंड हो क्यों रहा है और क्यों हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह देखता हूँ, मूवीज़ नहीं देखता, उसके लेक्चर्स देखता हूँ, जो अच्छी चीज़ है मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद क्योंकि ऑफकोर्स मैं उनको मेन चैनल पे पब्लिश करूँगा, तो एक मेरे पास एक नोट्स होगा, तो मेरे पास एक मूवीज़ का आइडिया होगा, फिर मैं खुद की स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसको पब्लिश करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक मॉनिटरी बेनिफिट तक लेके जाएगा, लेकिन इन प्रेजेंट मोमेंट जब मैं उस काम को कर रहा हूँ वो मुझे प्रोडक्टिव नहीं लग रहा। डैट्स इज एनालिसिस पैरालिसिस, हमने बात कर रखी, एक बार देख लेना। बट हाँ, क्यूरियोसिटी हो तो तुम लिखोगे भी अच्छी तरह, तुम सीखोगे भी अच्छी तरह, तुम पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड अच्छी तरह करोगे, और एट द एंड तुम अपना वर्क डन करोगे। अब वर्क का रिजल्ट आए ना आए, इट्स ओनली ऑन अप टू गॉड, बट तुम अपना वर्क डन करोगे। सो यू हैव टू क्यूरियोसिटी टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और कोई भी नहीं है जो बिना क्यूरियोसिटी के प्रेजेंट मोमेंट में रह पाया है, लाइक सीरियसली कोई भी नहीं है। और प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना हमेशा तुम्हें दुखी करेगा, लाइक हमेशा तुम्हें दुखी करेगा। इसलिए कुछ काम, कुछ पल जिंदगी के ऐसे जरूर होंगे जहाँ पर तुम कह सकते हो फक बहनचोद, मैं प्रेजेंट फील कर रहा हूँ, मैं ऑन द मोमेंट फील कर रहा हूँ, लाइक जस्ट ऑन द मोमेंट फील कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक ओसो ने बुक भी लिखी है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, जहाँ पर ओसो कहते हैं कि सेक्स की कुछ जो पीक मिनट्स में नहीं, पीक सेकेंड्स होती है, जहाँ पर हमें इन डेप प्लेजर फील होता है, जब हम इजेक्यूलेट करते हैं वो पर्टिकुलर माइंड, वो दो या तीन सेकेंड की, वो हमें पीक प्रेजेंट मोमेंट में लेके जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर तुम काम में देखोगे तो नोट में भी पीक प्रेजेंट मोमेंट, बट एक फ्लो स्टेट वाली चीज़ होती है, जो कि तुम क्यूरियोसिटी के थ्रू ही बिल्ड कर सकते हो। फ्लो के ऊपर हम ऑफकोर्स डेडिकेटेडली बात करेंगे, बट अभी तुम क्यूरियोसिटी के बारे में सोचो, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज द ओनली थिंग जो तुम्हें फ्लो तक लेके जाएगी, और फ्लो तक जाने के बाद तुम उस चीज़ में पैसन बिल्ड करोगे, पैसन से पर्सनैलिटी एंड देन करिश्मा बेबी। हमने पीछे भी बात की है इसकी, क्यूरियोसिटी से तुम पढ़ाई के लिए उत्सुकता पैदा कर सकते हो, लंबे समय तक पढ़ सकते हो, लंबे समय तक उस चीज़ को याद कर सकते हो, और अगर तुम ये कर सकते हो तो काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी से मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। अब तुम कहोगे भाई बेफालतू की भसड़ मत कर, ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल बिकॉज तुम गलत स्टडी कर रहे हो। थिंक अबाउट पर्टिकुलर वन सेकेंड अ मोमेंट कि अगर तुम्हें स्पेस के बारे में सिखाया जाए, साइंस के बारे में सिखाया जाए, या फिर बायोलॉजी के बारे में सिखाया जाए, या फिर इप्टोमोलॉजी के बारे में सिखाया जाए, या फिर फिजियोगोनोमी के बारे में सिखाया जाए जिसमें लुक्स की बातें होती है, या फिर तुम्हें एक्टिंग के बारे में सिखाया जाए, या फिर तुम्हें डायरेक्शन के बारे में सिखाया जाए, या फिर तुम्हें सिनेमेटोग्राफी के बारे में सिखाया जाए, क्या तुम उसमें एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो जस्ट इंटरनली खुद के साथ? उसमें भी केओटिक चीज़ है, तुम शायद ना कर पाओ, तुम शायद केओटिक फील करो, जो कि ऑर्डर एंड केओस वाली थ्योरी होती है वो फील करो, लेकिन अगर तुम उसमें थोड़े से समय के लिए बिल्ड कर पाते हो, तुम फील करोगे कि भाई बिना पढ़ने की मनसा रखते हुए, बिना पढ़ने की इच्छा रखते हुए तुम सब कुछ समझ पा रहे हो, तुम सब कुछ सीख पा रहे हो, तुम याद रख पा रहे हो। और ऐसा बहुत बार होता है भाई, सीरियसली बहुत बार होता है। मैं लुक्स की पढ़ाई में नहीं घुसा कभी कि मुझे लुक्स की पढ़ाई करनी है, अच्छे बुरे लुक्स की पढ़ाई करनी है, फिर एस्थेटिक्स की पढ़ाई करनी है, या फिर जेनेटिक्स की पढ़ाई करनी है। मैं क्यूरियोसिटी के साथ और एक सम लेवल ऑफ फियर के साथ घुसा था, सम लेवल ऑफ फियर, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, और क्या होते हैं अच्छे जेनेटिक्स, उसकी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें, इस वे में घुसा था। तो आज मुझे उस चीज़ की नॉलेज है। सेम विद पॉडकास्ट में भी एक इस लेवल से घुसा था, सम लेवल ऑफ फियर कि यार पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार इसमें कितने अच्छे अच्छे लोगों से और कितने बेहतरीन लोगों से बात करने को मिलेगा, उसका आनंद ही अलग होता है, वो मेरे दिमाग में था। तो मतलब अगर मैं तुम्हें एक ऑन एंड ऑफ दूँ एग्जांपल, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% क्यूरियोसिटी, क्योंकि 100% क्यूरियोसिटी में तुम बोर भी हो जाओगे, ठीक है। मैं कहूँगा लंबे समय तक तुम्हें अगर क्यूरियोसिटी और काम चलाना है और फ्लो चलाना है, तो मैं कहूँगा 75% ऑफ यूर क्यूरियोसिटी एंड 15% ऑफ यूर फियर ऑफ थिंग्स। और तुम देखना तुम अलग से ही चीज़ों को खाओगे, ठीक है। इसका एक और लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो आई डोंट नो ये तुम कनेक्ट कर पाओगे या नहीं कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन द ओनली पर्सन आई फील इट्स डिजर्विंग ऑफ एंड दे हैव अ ग्रेट क्यूरियोसिटी इज आचार्य प्रशांत। लाइक सीरियसली यार, उस बंदे ने IIM में उसको एडमिशन मिला, उसने बंदे ने IIT क्रैक कर दी, वो UPSC क्रैक करके IAS बन गया, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के लिए, दुनिया को समझने के लिए, और मे बी इनसाइड वो ये भी सोचता हो कि बिजनेस बिल्ड हो जाएगा या फिर फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं सोचता होगा, बट फिर भी अगर सोचता होगा तो भी क्यूरियोसिटी के साथ कि लेट्स डू दिस, क्योंकि यार हलवा नहीं है भाई। मतलब IAS की पद को छोड़ना, उस रिस्पेक्ट को छोड़ना, उस
चीज को छोड़ना इट्स इम्पॉसिबल। ये इस तरह का इम्पॉसिबल है कि तुम करोड़ों रुपए छोड़ रहे हो, लाइक सीरियसली तुम करोड़ों रुपए छोड़ रहे हो, बट द मैन डू दिस। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कैसे किया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि उसको कैसे मिला, उसको IAS कैसे मिला फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसको नीट कैसे क्रैक, नीट नहीं IIT कैसे क्रैक किया उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में, देन उसने शायद कैट भी क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी। या और कोई होता तो नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही भाव रहता है यार, करना है नहीं करना है या फिर कैसे करना है फिर क्यों करना है या फिर मैं कर दूंगा, एक पीक लेवल ऑफ मोटिवेशन भी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई क्यूरियोसिटी इज बेटर देन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन रोज नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी भी मे भी रोज नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम एक लेवल ऑफ माइंडसेट ऑफ प्रोडक्टिविटी माइंडसेट, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, अगर तुम एक्शन क्रिएट कर पाते हो तो मोटिवेशन आ जाएगा, और मोटिवेशन से पहले अगर क्यूरियोसिटी आ जाएगी तो फ्लो आ जाएगा, और फ्लो आता ही तो तुम भूल जाओगे तुम काम भी कर रहे हो, तुम मगन हो जाओगे। और आई थिंक 24 मिनट हो गई है मेरी भी फ्लो आ गई हो। डोंट एक्सपेक्टेशन फ्लो, या एक्सपेक्टेशन भी मत करना एक्सट्रीमली, करना फिर पछताओगे। तो क्यूरियोसिटी जरूर बिल्ड करना किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए एक सम लेवल ऑफ। और अगर मैं इसको सिंपली वे में कहूँ तो यही है, जैसे तुम बायोलॉजी कोई चीज़ पढ़ रहे हो या फिर तुम किडनीज के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से पहले ये सोचो ओके किडनी के बारे में क्या सीखना चाहिए, ये सीखना है, क्यों सीखना है, क्यों का थोड़ा सा डेवलप करो इनर माइंडसेट, अच्छा इसके लिए सीखना। और जब पढ़ो तो एक सेंस हो इससे पढ़ो कि मैं ये किसी को पढ़ाऊंगा, वो सेंस सबसे बेस्ट है, लाइक वो सेंस सबसे बेस्ट है। तुम पढ़ो इस वजह से कि मैं ये किसी को इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा और इसलिए मैं इसको इतना बेस्ट तरीके से पढ़ूंगा कि मैं उसको बेस्ट तरीके से पढ़ा पाऊँ। और जब तुम वो पढ़ लो तो बुक बंद करके, नोटबुक बंद करके, जस्ट रैंडमली खुद के साथ और मे बी रिकॉर्डिंग करके किसी को पढ़ा दो, दैट्स इट, तुम लंबे टाइम तक याद रहोगे। आई थिंक यही फ्रीमैन लॉ भी है, फ्रीमैन लॉ की थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे उन्होंने बनाया था। खैर पढ़ाई के बारे में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि मेरी तो 12th निपट गई लेकिन काफ़ी लोगों की भी रही है, तो तुम्हें काफ़ी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अवर सोसाइटी किल अवर क्यूरियोसिटी। कार्ल सैगन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। अगर तुमने कार्ल सैगन की एक शॉर्ट देखी है, शायद मैं पॉडकास्ट के बीच में ही लगा दूंगा क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह एडिट करूंगा, तो इन्होंने इसमें कहा था कि नर्सरी केजी और फर्स्ट सेकेंड जो भी छोटी क्लासेस होती हैं उसमें उनके अंदर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, लाइक वो पूछते हैं ग्रास ग्रीन क्यों है, या फिर वाई सनराइज एवरी डे, वाई वी लिव, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। समटाइम्स दे आस्क फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिनके एट द एंड कोई आंसर नहीं है, कि हम मरते क्यों हैं, नहीं मरते क्यों नहीं, मरते का तो है कि मरने के बाद क्या होता है, या फिर पुनर्जन्म जन्म वगैरह, या फिर दिस टाइप आफ्टर रीबर्थ वगैरह, तो दे हैव फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। बट जब वो बड़ा होता है बंदा धीरे धीरे, तो उस करिकुलर में और छोटी छोटी चीज़ों में ही इतना फंस जाता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी क्यूरियोसिटी का पार्ट ही भूल जाता है यार, लाइक जेन्युइनली। मतलब मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था भाई, मुझे बायोलॉजी में गाड़ फाड़ इंटरेस्ट था, मतलब मैं बायोलॉजी पूरा दिन पढ़ सकता हूँ ऐसा इंटरेस्ट था। बायोलॉजी इज द जान कि भाई लाइफ के बारे में जेन्युइनली विदाउट फिलोसॉफिकली साइंटिफिकली मुझे लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, साइंटिफिकली यानी कम्प्लीटली रियली। फिलोसॉफिकली तो एक लेवल ऑफ ये हो जाता है कि एजम्पशन चल रही है बातें, ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें चल रही है जिसको कॉन्ट्राडिक्टरी आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्योरली साइंस भाई, प्योरली एनालिटिकल चीज़ें, ठीक है, जिसको तुम जज कर सकते हो, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जिसको तुम फील कर सकते हो, वो बायोलॉजी में चीज़ चल रही है, तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। बट सोसाइटी हमें किल कर देती है, एग्जाम दो, ये करो, ये पर्टिकुलर चीज़ याद करो, ये क्वेश्चन याद करो, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, पास होने के लिए ये करो, अच्छे मार्क्स के लिए ये करो, एंड हम मार्क्स में फंस के रह जाते हैं। तुम खुद सोचो कि यार मार्क्स के अलावा तुमने कब बायोलॉजी की कोई चीज़ उठाई है पढ़ने के लिए, कब तुमने फिलोसॉफी की कोई चीज़ उठाई है, कब तुमने कोई साइंस फिजिक्स की कोई चीज़ उठाई है, फिजिक्स का कब तुमने कोई सम ऐसे रैंडमली सोल्व करने की कोशिश की है, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी कर पाता हूँ, बड़ो क्यूरियोसिटी गसर रहा है, तो सोसाइटी किल कर रही है, एजुकेशन सिस्टम किल कर रहा है, तुम अपने मन से किल मत होने देना, रैंडमली चीज़ों को पढ़ना, रैंडमली पोइट्री पढ़ना। और एक चीज़ मैंने जो कही थी फ्लो वाली, प्रेजेंट मोमेंट वाली, वो पढ़ाई में भी ऐड होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें खो जाने का मन करता है, लाइक सीरियसली खो जाने का मन करता है, और वो कुछ होगा भाई, तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। तुम अभी 15, 16, 17, 18, 19, 20 के होगे, द बेस्ट इज
तो एट द एंड सोसाइटी को अपनी क्यूरियोसिटी किल मत करने देना, जस्ट बी प्रिजर्व एंड डू थिंग्स. ओके, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट ऑफकोर्स मैं इसमें ऐड कर ही देता हूँ, अब लॉन्ग पॉडकास्ट बन ही रहा है. तो द सिंपल थिंग इज एवरी इंटेलेक्चुअल यू सी, चाहे वो जॉर्डन पीटरसन हो, सैम हैरिस हो, या फिर स्लावन ज़िज़ेक हो, या फिर ओसो हो, आचार्य प्रशांत हो, या फिर मॉडर्न विजडम वाले तुम्हारे क्रिस विलियमसन हो, एंड्रयू ह्यूबरमैन हो, एवरी पर्सन, लाइक सीरियसली एवरी पर्सन, दे हैव अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स एंड दैट्स हाउ दे ग्रो. और तुम इसको सीरियसली फील कर सकते हो, तुम इनके पॉडकास्ट से फील कर सकते हो, इनकी वीडियो से फील कर सकते हो, इनकी रीडिंग पैटर्न से फील कर सकते हो. रीडिंग इज वन ऑफ द थिंग एंड द बेस्ट थिंग दैट आई फील, जो तुम देख सकते हो इन क्यूरियोसिटी और इन पॉडकास्टिंग तुम देख सकते हो. मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मैं लोगों से बात करूंगा, मे बी समटाइम्स मैं रैंडम क्वेश्चंस पे बात करूंगा, सम डम क्वेश्चंस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा बिकॉज आई हैव अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड एवरी इंटेलेक्चुअल, एवरी इंटेलेक्ट पीपल हैव जेन्युइन क्यूरियोसिटी. और तुम कैसे बिल्ड कर सकते हो, फिर वही बात आ जाती है, रीड बुक्स, रीड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, नोइंग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, एंड वन थिंग जो काफी अंडररेटेड है, टॉकिंग अबाउट थिंग्स, टॉकिंग अबाउट सिट, या बकचोदी भी करो और टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स के बारे में बात करो. तुम रैंडम पीपल से बात करो, तुम अप्रोच करो. अप्रोच इज नॉट अबाउट कि हमेशा गर्ल्स गर्ल्स करो, ऑफकोर्स वो एक डेटिंग एस्पेक्ट है, वो तुम्हारा फुलफिल होना चाहिए, मैं उसके बारे में काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार कहता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी तुम इंटरेस्टिंग लोगों से बात करो, फिगर आउट द इंटरेस्टिंग पीपल्स. रिसेंटली मैं हिमाचल गया था, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे मंक मिले थे, वहाँ पर मैंने मंक से काफ़ी बातें की थी. और इन कॉलेज अगर मुझे कोई बंदा लाइब्रेरी में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ता दिखाई दे जाता है, आई जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग एंड दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो. इनफैक्ट मुझे आईआईटी के बारे में भी इतना नहीं पता था, मुझे आईआईटी के बारे में इतना नहीं पता था. फिल्म मेकिंग के अलावा मुझे सच में किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ ऐसी नॉलेज नहीं है. बट जब भी मैं किसी न्यू फील्ड के पर्सन से मिलता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि व्हाट्स मेक यू क्यूरियस अबाउट दिस थिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट. मैं सीरियसली मतलब फकिंग ऑनेस्ट होकर पूछ लेता हूँ कि यार फैमिली प्रेशर तो नहीं, ये है. मुझे लोग ही काफ़ी पर्सन मिलते हैं वहाँ पे. मैं लोग ऑफकोर्स मैं एक सीरीज़ वाला और एक मूवी एंथुजियस्ट पर्सन हूँ, तो मैं उस चीज़ में भी मूवी की कुछ ना कुछ बकचोदियाँ डालता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए हो ना हो, बट एट द एंड यार मैंने तो हर चीज़ मूवी में ही देखी, मैंने तो लो भी मूवी में देखा, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं लो करने का भी सोच रहा था. तो मैं लो की भी रैंडम लोगों से ऐसे बात करता हूँ, उनके पर्सन पूछता हूँ. लो में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, वो पूछता हूँ, एंड दैट्स द फकिंग बिल्डिंग क्यूरियोसिटी, जेन्युइन क्यूरियोसिटी. और जैसे कि मैंने कहा, जेन्युइन क्यूरियोसिटी ही तुम्हें इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन तक लेके जाएगी. दूसरों के फील्ड में भी बात करो, खुद की क्यूरियोसिटी तो निकालो, जो कि तुम्हारी फिल्म मेकिंग और एक्टिंग से रिलेटेड है, मेरी मतलब पर्टिकुलरली है, निकालो, लेकिन दूसरे के फील्ड में क्या क्या चीज़ें, उस पर भी तुम क्यूरियस क्वेश्चन पूछो. अटक रहा हूँ थोड़ा सा, बट डोंट माइंड. तो उसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछो. मैं डॉक्टर से भी काफ़ी बार ऐसे पूछता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सब सर्जरी के बारे में पूछता हूँ, जो सर्जरी तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी जो चल रही है, जो क्रिएटर्स नॉट क्रिएटर्स सेलिब्रिटीज़ वगैरह करवाते हैं, वो क्यों करवाते हैं, लुक्स के वगैरह बारे में पूछता हूँ, बेसिकली हेल्थ के बारे में पूछता हूँ, बिकॉज डॉक्टर्स नो वेरी वेल. लास्ट एंड फाइनल, बिल्ड क्यूरियोसिटी, हाउ टू बिल्ड. सिंपल फॉर्मूला दूंगा, अब तक मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात किया, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मूला दूंगा. सबसे पहले, अगर तुम टीनेज में हो, तो एक चीज़ होती है, टीनेज में भी होती है और अर्ली ट्वेंटीज में भी होती है और 25 तक होती है, द थिंग इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. वो तुम्हारी एक्टिवेट है ना, उसके बारे में एंड्रयू ह्यूबरमैन ने काफ़ी बात किया, एक बार चेकअप कर लेना. डेफिनेटली तुम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि वो काफ़ी गजब की चीज़ होती है. और अगर तुम टीनेज में या फिर अर्ली ट्वेंटीज में बेफालतू के नशे करते हो, या फिर बेफालतू में चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, या फिर जस्ट रील देखते हो, तुम बेफालतू में अपनी दिमाग में मेंटल फॉग क्रिएट कर रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम 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 कर रहे हो, तो मेंटल मास्टरबेशन क्रिएट कर रहे हो, जिसके बारे में भी मैंने काफ़ी बार अलग अलग पॉडकास्ट में बात की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वो इंक्रीज हो, क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ. और मैं इसीलिए खिलाफ हूँ क्योंकि मैं इस भी एक टाइम पर इसे में इन्वॉल्व था, बट नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग, नॉट जस्ट कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग इज अ गुड पार्ट, इज अ हेल्दी पार्ट, लेकिन उसके साथ क्रिएटिंग समथिंग इज द बेस्ट, इज लाइक बेस्ट बेस्ट फॉर्मूला. और वो तुम्हें एक गिल्ट में भी नहीं डालेगा कि क्या बहन चूत हुई तरह पूरे दिन फिलोसफी या फिर साइकोलॉजी या फिर सब देखता रहता है. देख भी रहा है तो कोई नहीं, देख रहा हूँ क्योंकि देखने के बाद किसी को बताऊंगा ही, और किसी को बताऊंगा तो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी ही, और जब क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी तो एक कॉन्टेंट भी बिल्ड होगा, और कॉन्टेंट बिल्ड होगा तो मॉनेटरी बेनिफिट तुम्हें मिल जाएंगे. ठीक है, तो हाँ, क्यूरियोसिटी में चीज़ें देखो. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तुम समझ ही गए होगे. अगर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें दूँ, प्रैक्टिकल एक्शन टिप्स दूँ, जो कि तुम्हें जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद कर लेने चाहिए, थ्री थिंग्स. सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि तुम्हें
किस चीज़ को करने की या फिर किस चीज़ को देखने की इच्छा है। और हाँ, मूवी सीरीज़ के हट के अलावा अगर मूवी सीरीज़ की इच्छा है तो मूवी सीरीज़ मत देखो, मूवी सीरीज़ के लेक्चर्स देखो या फिर हाउ अ मूवी बिकम या फिर उसके बिहाइंड द सीन मत देखो, वो भी तुम्हारा काफ़ी हार्ड लेवल ऑफ मेंटल मास्टरबेशन हो जाएगा। इनफैक्ट लेक्चर्स देखना भी एक टाइप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन ही है, क्योंकि उसमें तुम एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, नोट्स बना रहे होगे, लेकिन अगर नोट्स बना के तुम YouTube पे वीडियो डाल रहे हो या फिर रिसर्च पर्पस के लिए नोट्स बना रहे हो तो जस्टिफाइबल है, अदरवाइज इट्स अ मेंटल मास्टरबेशन। बट फिर भी अगर तुम मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके कुछ भी एनालिसिस वगैरह देखो या फिर कुछ भी लेक्चर्स वगैरह देखो या फिर वो मूवी कैसे बनी उसके बारे में तुम रिसर्च करो, आर्टिकल्स पढ़ो बेसिकली, ठीक है। और अगर तुम्हें पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट है तो किस सब्जेक्ट में है, क्यों है, उसको लिखो एंड देन उससे रिलेटेड वीडियो देखो या डेडिकेटेडली वीडियो देखो, तुम्हें अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या फिर तुम जस्ट रैंडमली सोचो तुम्हें पैसे से इंटरेस्ट है, लेकिन पैसे में तुम किस बंदे को देखना चाहोगे, और हाँ किसी ढंग के बंदे को सोचना, ऐसे रणवीर वगैरह को मत सोचना, क्योंकि ये पैसे की कम और बेफालतू की स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें पैसे के बारे में डिटेल में थोड़ा समझना तो तुम एलेक्स होर्मोजी या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी वाले जो ऑथर हैं उनकी कोई पॉडकास्ट वगैरह उठा सकते हो, वो देख सकते हो, एक जनरल लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए। हाई लेवल ऑफ मास्टरबेशन ये नहीं है, मतलब हाई लेवल ऑफ मेंटल मास्टरबेशन ये नहीं है, एक लो लेवल है, बट तुम एक क्यूरियोसिटी जनरली बिल्ड करोगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज उठाओ, तीन चीजें लिखो, क्यों देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, और देखने के बाद उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, और या फिर अप्लाई नहीं कर सकता इन प्रैक्टिकल लाइफ तो उसका कंटेंट कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को किसी न किसी फॉर्म में सेल करना है, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब से कुछ सीखता हूँ तो मैं उसको या तो तुम्हारा कोर्स बना के सेल करूँगा मे बी इन फ्यूचर ऑडियंस बिल्ड होने के बाद, या फिर तुम्हारा यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के उसको सेल करूंगा। शॉर्ट्स ऑफकोर्स नॉट इज डायरेक्ट सेलिंग, बट या शॉर्ट्स पे अगर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मेरी बाकी वीडियो देखेंगे, तो उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये रहा तुम्हारा मॉनिटरी बेनिफिट, जो कि तुम हमेशा सोचते रहते हो कि क्या होगा पॉडकास्ट और ये सब देखने से ये होगा, तुम समझ ही होगे। देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। या कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हें लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, करोड़ों तो नहीं, हज़ारों लोग मिल जाएंगे, पकड़ो, बात करो, कैसे स्टार्ट करनी है कन्वर्सेशन, अप्रोच कैसे करनी, उसके ऊपर हम डेडिकेटेडली इन फ्यूचर बात करेंगे। और अभी जानना है, जस्ट टाइप ऑन YouTube हाउ टू टॉक रैंडम पीपल्स, हाउ टू अप्रोच स्ट्रेंजर्स, डेट्स इट, बात करो। एंड थर्ड, थोड़ी सी बकचोदी, थोड़ा सा चोट फैलाओ, इंटरेस्टिंग बनो, नहीं कोई पसंद कर रहा है भाड़ में जाने दो। और हाँ, एक चैनल तुम्हें एंड में रेकमेंड जरूर करूँगा, तुम्हारी एक जर्नल अप्रोच एंजाइटी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, जूलियन हिमसेल्फ। अब मे भी इस बंदे के साथ इन फ्यूचर पॉडकास्ट करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है, इसकी कुछ शॉर्ट्स वगैरह तुम देख लेना, पूरी पॉडकास्ट या फिर पूरी वीडियो भी मत देखना, काफ़ी बड़ी वीडियो बनाता है, शॉर्ट्स वगैरह देख लेना, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस और काफ़ी फ्रैंक बंदा है। तुम इसको देख के कहोगे यार मेरी बकचोदी तो कुछ भी नहीं, ये अलग लेवल पे खेल रहा है। लेकिन हाँ, उस चीज़ में भी तुम थोड़ा सा खुद का पर्सनैलिटी टेक रखना और खुद की कंट्री और बायोलॉजी और क्या बोलते हैं, हाँ, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें करना, क्योंकि ये बंदा है जो कि यूएस में, वहाँ पर ये जाके अगर रैंडम बंदी को हग कर लेगा, किस कर लेगा, तो घंटा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तुम थोड़ा सा भी कुछ कर लोगे तुम्हारी कान टूट जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारा मन करे वो करो, बी जॉय, क्यूरियोसिटी बिल्ड होने दो, पैशन बिल्ड होने दो, पैशन के थ्रू तुम्हारा पर्सनैलिटी बिल्ड होने दो और करिश्मा बनी जाएगा अगर तुम सही चीज़ों पे सही समय पर फोकस करोगे। बाकी तुम मेरी कॉलेज वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर तुम स्कूल मिस्टेक वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर तुम हाइट वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया में हाइट से भी इनसिक्योर है। डेफिनेटली चेकआउट, बाय, मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, ओके बेबी।